सभी भक्तों को हरिद्वार महाकुंभ की यूके लाइव परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। हरिद्वार महाकुंभ में पूर्ण रूप से मेले के आयोजन को लेकर हर प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। मेले को भव्य रूप देने के लिए मेला प्रशासन ने हरिद्वार गंगा के सभी घाटों पर विशेष ध्यान दिया है, जिससे आने वाले साधु संतों एवं श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा न हो सके। लाखों रुपए खर्च करके घाटों व हरिद्वार के मुख्य धर्म स्थल को विशेष रूप से सजाया गया है, जो कि रात्रि होते ही जगमगा उठता है, जो अलग ही दृश्य बनाता है। लेकिन इस बार कोरोना के चलते लाखों लोग हरिद्वार कुंभ मेले में आने से वंचित रह जाएंगे, जिससे हरिद्वार नगर में महाकुंभ मेले को लेकर स्थानीय व्यापारियों के कारोबार भी चौपट हो गए हैं। 12 अप्रैल, 13 अप्रैल और 14 अप्रैल ये 3 दिन लगातार हमारे स्नान पर्व है। 12 तारीख को आप जानते हैं कि दूसरा शाही स्नान, 13 तारीख को नव संवत का स्नान और 14 तारीख को बैसाखी के दिन तीसरा शाही स्नान है, जिसमें 13 के 13 अखाड़ों के द्वारा प्रतिभाग लिया जाता है। और क्योंकि ये हाईवे से जाने की वजह से पूरा जो हाईवे है वो सुबह से शाम तक प्रतिबंधित रहता है, जीरो जोन के रूप पर रहता है और वहाँ पर किसी भी तरह का गाड़ियों का मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने जितने भी बाहर के एरिया है वहाँ अलग अलग पार्किंग प्लेसेस रखी हुई है, जहाँ पर कि वाहन पार्क होंगे। और जो हमारा मेन हर की पैड़ी, ब्रह्मकुंड और आसपास के घाट है, वहाँ पर श्रद्धालुओं के द्वारा उस दिन स्नान नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये आरक्षित होता है सारे अखाड़ों के लिए। तो मेरी यही अपील है कि जितने भी हमारे बाकी घाट है उनका प्रयोग करें। और उस दिन क्योंकि शाम तक, इनफैक्ट काफ़ी लेट तक भी अखाड़ों के द्वारा स्नान किया जाता है, तो उस दौरान जिस तरह से हर की पैड़ी में आम दिनों पर जो पूजा या आरती होती थी और लोगों के द्वारा, श्रद्धालुओं के द्वारा वहाँ पर बैठकर आरती का लाभ, पुण्य लाभ उठाया जाता था, इस पे थोड़ी तब्दीली रहेगी, क्योंकि उस दौरान भी अखाड़ों का स्नान रहेगा। तो कृपया आप सभी से अनुरोध है कि आप बाकी जितने हमारे घाट है और विशेषकर जो प्राकृतिक घाट हमारे नीलधारा एरिया है, उनका प्रयोग करें मुख्य स्नान के दिन। धन्यवाद। यूके लाइव उत्तराखंड, जुनून सच दिखाने का।